स्टूडेंट्स, हमने अब आगे करना है। चैप्टर जो है वो है यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर प्लस वन वन, मतलब कि यूनिट नंबर 12 है हमारे पास। तो 12 वाला यूनिट कौन सा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। तो इसमें क्या क्या करना है आपके सेशन में? हमने सेशन 2021 में जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन IUPAC, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट देखो, आगे करना है हमने इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, हेमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाले टॉपिक अब हमने आगे पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं। ठीक है, तो कुछ टॉपिक जो कट ऑफ हो गए हैं इस सेशन में, वो हमने नहीं करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या करना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखो कि जनरल करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जनरल करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखो, दीज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो हमारे पास ये कौन से हैं? कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो फर्स्ट वाला हम देख लें तो ये वाला है, दीज आर कंपाउंड्स ऑफ द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड कार्बन मेनली, बट इसके साथ हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लेना है कि इसमें ये भी कंसिडर किए जा सकते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं, लेकिन ये भी एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेनली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जैसे हो गई, फैट्स हो गए, लिपिड हो गए, तो उनमें ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स दे आर मेनली। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखो, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखो, दिस मे बी गैसेस, लिक्विड और सॉलिड्स। ये क्या हो सकते हैं? गैसेस भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं और सॉलिड भी हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो, इसमें जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है बीइंग कोवलेंट इन नेचर। सो दे आर इन कोवलेंट इन नेचर, सो कोवलेंट नेचर होने के कारण इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया हमारे पास, और कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो इनमें ये डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आर वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब कि इवेपोरेट इजिली, इवेपोरेट इजिली, इवेपोरेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेमेबल हैं। फ्लेमेबल का मतलब ये क्या है कि दे आर दे कैन बी फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है कि इनको बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ये जो भी कंपाउंड बहुत जल्दी आग पकड़ ले, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेमेबल। ठीक है, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्या करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे। अब इसमें आयंस प्रेजेंट, फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं? इसमें फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, दे हैविंग कलर एंड ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है दे हैविंग स्मेल, तो उनमें स्मेल है। कलर का तो आपको पता चल गया, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ठीक है, स्मेल, ओके, ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास जनरल करेक्टर थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने करना है, हमारे पास जो है वो है, हमने देखना है कि इसकी टेट्रावलेंसी किस तरीके से है। टेट्रावलेंसी का मतलब होता है कि कार्बन के जो है वो चार बॉन्ड बना सकता है। आप देख सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4, ये चार इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में। तो ये चार इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी वैलेंसी होती है चार। तो
इसका मतलब है इट कैन मेक द फोर बॉन्ड्स, तो चार हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाएंगे। तो सो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लग गए, 1, 2, 3 एंड 4, चार हाइड्रोजन लग गए। तो इसने चार जो बॉन्ड बना लिए वो कौन कौन से है, ये देखो, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया और चौथा ये वाला हाइड्रोजन हो गया। तो चार हाइड्रोजन इसके साथ लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी टेट्रावलेंसी है। टेट्रावलेंसी मीन्स इसमें कार्बन मीथेन में चार हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच हुए हैं। सो ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी टेट्रावलेंसी को शो करता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो नेक्स्ट वाले में कि ये है कैटिनेशन शो करता है। कैटिनेशन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के साथ लंबी चेन बनाई हुई है, कार्बन ने कार्बन के साथ लंबी चेन बनाई हुई है। तो देखो कार्बन ने, ये देखो यहाँ से शुरू कर लो तो ये कार्बन की पूरी यहाँ तक लंबी चेन बनी हुई है। इसमें भी देखो, लेकिन इसमें ब्रांचिंग होती है, आपको ब्रांचिंग शो कर देता हूँ। ये देखो ये कार्बन लगा हुआ है, इसके बाद ये वाला कार्बन लगा हुआ है। तो ये यार ये क्या है, हमारे पास एक ये कार्बन हो गया और एक ये वाला कार्बन हो गया। दीज आर शोइंग द ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग शो कर रहा है इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट आप देखो ये लीनियर भी हो सकते हैं, बिल्कुल लीनियर, मतलब कि इधर से लेकर यहाँ तक इधर को ये पूरी की पूरी जो लाइन बन रही है इसकी, तो एक लीनियर चेन भी बनाते हैं। तो ये रिंग टाइप भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, रिंग भी बना देते हैं। तो आप रिंग वाले स्ट्रक्चर भी देख सकते हो इसमें, तो नीचे जो बने हुए हैं, तो एक सारे के सारे कार्बन ने क्या बनाई हुई है, रिंग बनाई हुई है। तो आप रिंग वाला स्ट्रक्चर भी देख लो, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है एक रिंग बनाई हुई है इनमें। तो ये भी एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग बनी हुई है, पांच कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें जो पहले वाली स्ट्रक्चर थी इसमें कितने हैं, तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, और इस स्ट्रक्चर में पांच कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट की बात करें तो ये वाला जो कंपाउंड है ये पूरे का पूरा, तो इसमें देखो 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये वाली स्ट्रक्चर है जो हमारे पास क्या है, 6 कार्बन की स्ट्रक्चर है। तो ये शो कर रही है कैटिनेशन। कैटिनेशन मतलब के लॉन्ग चेन्स, एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जुड़ी है, दूसरी जो तीसरी कार्बन के साथ, ये नंबर 1 है 2 है, ये 3 हो गई, ये 4 नंबर कार्बन है, ये 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे कार्बन जो है लंबी चेन बनाई हुई है। तो इस प्रॉपर्टी को, कार्बन को हम बोल देते हैं कैटिनेशन। सिर्फ कार्बन ही नहीं और भी आइटम है जो कि कैटिनेशन को शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमने इसमें क्या क्या किया है, एक तो हमने जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, और दूसरा इसमें ब्रांचिंग कैटिनेशन के बारे में पढ़ लिया है, और तीसरा इसमें देख लिया है कि जो कार्बन है उसकी टेट्रावलेंसी है, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।